क्या सचमुच ऐश्वर्या राय बच्चन की जिंदगी में वापस आ रहे हैं सलमान खान? क्या सचमुच डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या ने लगाया था सलमान खान को गले? क्या सचमुच ऐश्वर्या और अभिषेक के होने वाले तलाक की वजह है सलमान खान? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। पिछले कई दिनों से ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच के तलाक की खबरें आग की तरह फैली हुई है। हर कहीं पर यही खबर छपी हुई है कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में दरार आ चुकी है। और हाल ही में मनीष मल्होत्रा, जी हाँ, बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी से ऐश्वर्या और सलमान की कुछ ऐसी रोमांटिक तस्वीरें वायरल हुई है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या सचमुच ऐश्वर्या की जिंदगी में वापस लौट आए हैं सलमान खान। क्या है पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर एक दिवाली पार्टी रखी थी। इस दिवाली पार्टी में बॉलीवुड का हर स्टार मौजूद था और इसी दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान भी आए थे। सबसे हैरानी की बात ये थी कि तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय बच्चन के पति अभिषेक बच्चन इस पार्टी में नहीं आए थे, यानी इस पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन अकेले आए थे। जिसके बाद अब इन दोनों की एक ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसको देखने के बाद हंगामा हो गया है। दरअसल इस पार्टी से एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें सलमान खान को एक महिला गले लगाती हुई नजर आ रही है। इस महिला ने लाल रंग का बिल्कुल वैसा ही सूट पहना है जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने मनीष मल्होत्रा की पार्टी में पहना था। आपको बता दें कि मनीष मल्होत्रा की पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन भी लाल रंग का सूट और नीचे शेरवानी पहने नजर आई, जिसके बाद हर तरफ ये हंगामा हो गया कि सचमुच क्या ऐश्वर्या राय और सलमान खान ने मनीष मल्होत्रा की पार्टी में एक दूसरे को गले लगाया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान कभी किसी वक्त में एक दूसरे को डेट किया करते थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इनका ब्रेकअप हो गया। ऐश्वर्या ने कई तरह के इल्जाम लगाए सलमान खान पर, सलमान खान ने भी ऐश्वर्या पर कई तरह के इल्जाम लगाए और ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और बच्चन परिवार की बहू बन गई। और अब पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में झगड़ा चल रहा है और शायद ये दोनों अलग भी होने वाले हैं, क्योंकि अब ऐश्वर्या और अभिषेक किसी भी इवेंट में साथ नहीं दिखते। लेकिन अब इसी बीच मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी से ऐश्वर्या और सलमान की जो तस्वीर आउट हुई है जिसमें ऐश्वर्या सलमान खान को गले लगाती दिख रही है। दरअसल जब से सलमान खान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ है तब से ये दोनों किसी भी पार्टी में साथ नजर नहीं आते, और साथ नजर आते हैं तो गले लगाना तो आप भूल ही जाइए। ये पहली बार है जब ऐश्वर्या इस तरह से यूं किसी, आप कह सकते हैं, अपने खास दोस्त सलमान खान को गले लगाती दिख रही है। हालांकि ये जो ट्वीट है, ये जो तस्वीर है, ये एक फिल्म समीक्षक, खुद को फिल्म समीक्षक कहने वाले उमर संधू ने किया है। वो खुद को फिल्म समीक्षक कहते हैं। और अब मैं आपको इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई बताती हूँ। दरअसल इस तस्वीर में जो महिला दिख रही है वो ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं है, बल्कि वो है आदित्य पंचोली की बेटी, जी हाँ, सना पंचोली, जिसको सलमान खान गले लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं सना पंचोली की जो कपड़े पहने थे वो काफी हद तक ऐश्वर्या राय बच्चन से मिलते जुलते थे, इसलिए ऐसा कहा गया कि शायद सलमान खान ने ऐश्वर्या राय बच्चन को गले लगाया है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस तस्वीर की असली सच्चाई ये है कि सलमान खान जिस महिला को गले लगा रहे हैं वो आदित्य पंचोली की बेटी है, ना कि ऐश्वर्या राय बच्चन। तो फिलहाल हमने आपको ये फेक न्यूज़ के बारे में पूरी खबर दे दी है। हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।